मुल्क के पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए विजन का नाम अज़्म इस्तेहकाम रखा गया। गलती से इसका मुवाजना ऑपरेशन ज़र्बे अज़्म राह निजात से किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ऑफिस का एलामिया जारी, कहा गुज़श्ता मुसल्ला ऑपरेशन से दहशतगर्दों को फैसला कुन शिकस्त दी जा चुकी। इस वक्त मुल्क में कोई नो गो एरियाज नहीं, इसलिए बड़े पैमाने पर किसी फौजी ऑपरेशन पर गौर नहीं किया जा रहा। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद पहले से जारी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मुसल्ला कार्रवाइयों को मजीद मुतहर्रिक करना है। इससे मुल्क की मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए मजमूई तौर पर महफूज माहौल यकीनी बनाया जा सकेगा। बड़े फैसले की मंजूरी के लिए आज खुसूसी बैठक लगेगी। वजीर आजम के जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। नेशनल एक्शन एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीख मुतवक्के। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेने के लिए इत्तेहादी रहनुमाओं को मदऊ करने की तजवीज। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन बिल्कुल गैर सियासी है, वफाकी वज़ीर इत्तला'आत अत्तातारा ने वाज़ेह कर दिया। ऑपोजिशन का एतराज़, कैमरे के सामने सियासी पॉइंट स्कोरिंग करार। कहा ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तान को सिक्योरिटी और मुआशी लिहाज से मुस्तहकम करना है। ऑपरेशन का मामला ऐवान में भी लाया जा सकता है। एपेक्स कमेटी में अज़्म पाकिस्तान का नाम आया, मगर ऑपरेशन का लफ्ज उसके आगे या पीछे नहीं था। कोई वाज़े प्लान भी सामने नहीं आया। पॉलिसी के बाद बात करूंगा, ऑपरेशन होगा या नहीं। अली अमीन गंडापुर आर्मी चीफ और DGISI से मुलाकात के ख्वाहिशमंद। कहा जनरल फैज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा कर रहे थे, मगर उन्हें हटा दिया गया। जनरल बाजवा कहते थे जनरल फैज बेहतरीन आर्मी चीफ हो सकते हैं। बाद में जनरल फैज को हटाकर पूरा सिस्टम दहशतगर्दी के बजाय तहरीक इंसाफ को खत्म करने पर लगा दिया गया। JUI ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा। मुल्क को और कमजोर क्यों किया जा रहा है? फैसले के जिम्मेदार शहबाज शरीफ नहीं, वो सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं, फैसले कोई और करता है। सियासतदान खुशी से जिम्मेदारी कबूल करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद, कहा पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी, रियासत बेरहम हो चुकी, अवाम के साथ दुश्मनों जैसा रवैया है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर मुशावरत नहीं की गई, एतमाद में लिया जाए। मामला खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी पेश किया जाए, ANP का मुतालिबा। मियां इफ्तिखार का कहना है पंजाब दहशतगर्दों का गढ़ बन चुका, 70 कलदम तंजीमें मौजूद हैं, ऑपरेशन पंजाब से शुरू किया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने तहफ्फुज़ात को दुरुस्त करार दे दिया, विफाक से बात करने की यकीन दहानी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत सिंध में अमन की सूरतेहाल पर इजलास। हथियार डालने पर आमादा कच्चे के जराइम पेशा अफराद को बतदरीज कौमी धारे में लाने की हिदायत। कहा घिनौने जराइम में मुलव्वस मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कराची वाले होशियार, खबरदार जुज़्वी हीट वेव बरकरार। शहर कायद में आज भी क़यामत खेज़ गर्मी की पेश गोई। गुज़िश्ता रोज़ 41 डिग्री दर्जा हरारत 51 डिग्री तक महसूस किया गया। बुध से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। कराची में गर्म मौसम के बायस मजीद 9 अफराद जान से गए। दो रोज में मिलने वाली लाशों की तादाद 19 हो गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आइन क्या मुल्क के आइन से मुतसादिम है? क्या सरबरा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी अपनी जमात से इलेक्शन नहीं लड़ा? मखसूस नशस्तों के केस में कई सवालात उठ गए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से हामिद रजा के कागजात नामजदगी तलब कर लिए। PTI अरकान ने दूसरी जमात में शामिल होकर खुदकुशी क्यों की? आजाद उम्मीदवारों ने इसमें शमूलियत क्यों ना की? इंतखाबी निशान वापस लिए जाने के बाद PTI बतौर जमात मौजूद थी। PTI को एक साल कहा जाता रहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लो। PTI ने इलेक्शन कर रुकवाने की कोशिश की, बात मुकम्मल इंसाफ की तरफ गई तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जीरो सीट वाली जमात बन जाएगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, तहरीक इंसाफ के कलदम होने का खदशा था इसलिए आजाद उम्मीदवार शामिल नहीं हुए। सलमान अकरम का जवाब, समात आज फिर होगी, PP और नून लीग से दलाइल तलब।
इलेक्शन कमीशन वोटर्स के हुकूक का मुहाफिज होने के बजाय मुखालिफ बन गया। इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की। पीटीआई को बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स, कहा इलेक्शन पर संजीदा सवालात उठाए गए, 2018 में भी यही हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को माफी दी जाती रही, बाकियों को निशाना बनाया जाता रहा। हकायक सबके इल्म में है, क्या अदालत आंखें बंद कर ले? जस्टिस जमाल मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए, जिस जमात ने इंतखाबात लड़ने की जहमत ही नहीं की उसे मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ ने बुरे अंदाज में केस चलाया, गलत फैसले किए, फिर गलतियों को बार बार दोहराया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। नून लीग के एमएनए अंजुम अकील खान को तौहीन, अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। जज सिफारिश नहीं मान रहे थे, क्या इसलिए तब्दील करवाना चाहते थे? अदालत का इस्तफसार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ऐसा कौन सा आसमान गिरने वाला था कि कायम मकाम सदर से रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करवा दिया? आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है। अंजुम अकील ने गैर मशरूत माफी मांग ली। पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म, तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के मसाइल वफाकी और सूबाई हुकूमतें हल कर रही हैं। वजीर आज़म की टास्क फोर्स के इजलास में गुफ्तगू, बिल गेट्स ने कहा, पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा नामुमकिन नहीं, तरजीहात को बेहतर बनाना होगा, मजीद इकदाम करना होंगे। वफाकी वजीर सरमाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी से अमरीकी बिजनेस काउंसिल के वफद की मुलाकात। अब्दुल अलीम खान की कारोबारी ग्रुप्स को FVR और दीगर इदारों से दरपेश मसाइल के हल की यकीन दहानी, कहा मुल्क को कौम के मफाद में जो भी पॉलिसी होगी उसका मुकम्मल साथ देंगे। मुल्की मौशी तरक्की के रोड मैप को हासिल करने के लिए मिलकर काम करना होगा। पार्टी की सीनियर क्यादत सियासी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करे, नवाज शरीफ की हिदायत। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ अजमे इस्तेहकाम ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वजीर आला पंजाब ने दस्तक प्रोजेक्ट में तौसी की मंजूरी दे दी। तमाम अजला में सर्विसेज दिसंबर तक फराहम करने की हिदायत। 14 अगस्त से हर डिवीजन में मरियम की दस्तक सर्विसेज शुरू होगी, 65 सर्विसेज फराहम की जाएंगी। मरियम नवाज ने पंजाब स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम की भी मंजूरी दे दी, पहला पब्लिक सेक्टर मॉन्टेसरी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम, साबिर हमीद FIA के रेडार पर। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल ने 27 जून को तलब कर लिया। मोहम्मद अशरफ घुरकी और हामिद मुश्ताक की भी FIA तलबी, कंपनीज और जमीनों की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। भारत T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। सुपर एट मरले के यहां मैच में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से शिकस्त। रोहित शर्मा ने 92 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। कैंगरूज का सेमीफाइनल में जाना काफी मुश्किल। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराया तो ऑस्ट्रेलिया की मेगा इवेंट से छुट्टी हो जाएगी। बांग्लादेश को सेमीफाइनल में जाने के लिए 62 रन से फतह दरकार होगी।